माइक वाले भाई से निवेदन करता हूँ कि इसका इको जीरो करके आप बेस बढ़ा दीजिए जी, बेस दे दीजिए, इको ना करिएगा, नहीं तो इको खत्म कर दीजिए, अगर खत्म कर बहुत हल्का सा एक आध प्रश्न, इको खत्म इसलिए कर दीजिए, उसमें जब कभी बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे वो भी बोल रहे हैं, उनके पिताजी भी बोल रहे हैं, तो उसको हटा दीजिए और उनकी आत्मा भी बोल रही है। चलिए, मैं सर्वप्रथम पूजनीय माँ श्याम कुमारी जी के चरणों में नमन करता हूँ, माँ शारदे को नमन करता हूँ। आदरणीय श्री अजय कुमार सिंह जी, संजय सिंह जी, शैलेंद्र जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सब ने इस पावन भूमि के इस साहित्यिक अनुष्ठान में मुझे यहाँ आने का अवसर दिया। समय की अपनी एक मर्यादा है, मैं समय का कतई पालन करूंगा, ये आपसे वादा करता हूँ। स्वागत इस माइक पर, मैं थोड़ी देर रहूंगा, 8 से 10 मिनट, लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, इस दौरान यदि आपको मेरी कोई बात ठीक ठाक लगे तो आप अपनी तालियों के रूप में अपना आशीर्वाद, अपना प्यार मुझ तक पहुँचाइएगा। मैं इसी निवेदन के साथ शुरू होना चाहता हूँ। मेरा बहुत मन था कि जब ये सारी कुर्सियाँ भरी थी, यहाँ तमाम लोग खड़े थे, उस समय काव्य पाठ करता, लेकिन ये मेरे भाग्य में अक्सर आता है कि मुझे इन खाली कुर्सियों से तालियां बजाने की जिम्मेदारी दी जाती है। थोड़ी देर आप अपना मन दीजिएगा, मैं सीना ठोक के आपसे ये वादा करता हूँ, अब से थोड़ी देर बाद ये खाली कुर्सियाँ भी उछल के तालियां बजाते हुए नजर आएंगी। बस आप अपना मन मुझे दीजिएगा, मैं बिना किसी लंबी भूमिका के शुरू होना चाहता हूँ। मैं एक सैनिक के मन की 4 पंक्तियां आपके बीच रखता हूँ। कौन है हमारे सैनिक? सीना ताने स्वाभिमान से सीमाओं पर हम रहते हैं। क्या है ये हमारे सैनिक? सीना ताने स्वाभिमान से सीमाओं पर हम रहते हैं, हंसते हंसते वक्षस्थल पर सीधी गोली हम सहते हैं, हर पल हर क्षण हम तो केवल अपना फर्ज निभाते हैं। जब भी शीश वतन ने मांगा शीश दान कर आते हैं, जब भी शीश वतन ने मांगा, कमाल हो गया, शीश वतन ने मांगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा और मुखरित कीजिएगा इन तालियों को। जब भी शीश वतन ने मांगा शीश दान कर आते हैं, अपने घर की सारी सुख सुविधा जो त्यागा करते हैं, रात रात भर सीमाओं पर अपलक जागा करते हैं, इनके कारण ही उन्नत की सुदृढ़ होती डाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके कारण ही उन्नत की, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम करता हूँ आपको, कि रात रात भर सीमाओं पर अपलक जागा करते हैं, इनके कारण ही उन्नत की सुदृढ़ होती डाली है, इनके लोहू की बूंदों से उपवन में हरियाली है, इनकी निष्ठा का दुनिया में तोल नहीं हो सकता है, इनकी कुर्बानी का कोई मोल नहीं हो सकता है, इनकी कुर्बानी का कोई मोल नहीं हो सकता है। मैं इनके सम्मान में कविता, मैं इनके सम्मान में कविता लिखता और सुनाता हूँ, सैनिक के चरणों में सादर अपना शीश झुकाता हूँ, सैनिक के चरणों में सादर। बहुत बहुत धन्यवाद। सैनिक के चरणों में सादर अपना शीश झुकाता हूँ। आइए एक महत्वपूर्ण विषय से जोड़ता हूँ। मित्रों, हम हर वर्ष 15 अगस्त को अपनी आजादी की वर्षगांठ मनाते हैं, लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, ये सौभाग्य है हमारे देश का, कभी कभी की किसी भी सरकार का, किसी भी सत्ता का समर्थक नहीं होता, लेकिन अगर इस देश में कुछ ऐतिहासिक फैसले हुए हैं, अभी तक हमारी जो सीमाएं तो थी, हमारी बर्फ की चोटियां 70 वर्षों से शांति वार्ताओं में उलझ कर सिर्फ वहां पर रक्तपात देख रहे हैं। आपसे निवेदन करता हूँ, पीछे सर आवाज डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं पढ़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इन दिनों जो भी पिछले 70 वर्षों तक हमारे देश में शांति वार्ताओं में उलझी रही हमारी सरकारें, आदरणीय मैम बैठी हैं, मैं आपकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं, आपकी प्राचार्या हैं इंदो जी, मैं शांति का विरोधी बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन जब हमारे देश की अस्मिता पे आंच होती है, हमारे देश के स्वाभिमान पे प्रश्न चिन्ह होता है, तो मुझे भी मजबूरी में बुद्ध की भाषा छोड़कर युद्ध की बात करनी पड़ती है। मैं अपनी मजबूरी की 2 पंक्तियां आपके बीच गाता हूं और एक बार मैं फिर आपका आक्रोश देखना चाहता हूं। शांति मंत्र की माला जपकर केवल ये ही पाया है, आखिर आजादी के इन बीते वर्षों में शांति वार्ताओं में उलझकर हमने इस आजाद राष्ट्र को दिया क्या है? शांति मंत्र की माला जपकर, शांति मंत्र की माला कर केवल यही पाया है, सेना पर पत्थर बरसे हैं सैनिक का शव आया है, सेना पर पत्थर बरसे हैं सैनिक का शव आया है। सच कहता हूं, कभी उठेगा अलग देश का नाम नहीं,
क्या हुआ बीते दिनों हमारे देश में, मैम का आशीर्वाद मिलना चाहता मैं, मेरा सौभाग्य। वाह वाह, तालियां बजाइए भाई जोरदार। जो जिक्र मैंने शुरुआत में किया था धारा 370 का है, कश्मीर में काम नहीं। अगली पंक्ति अभी भैया, लाजवाब। ये मेरा सौभाग्य है, मेरा। वाह चाचा शिवभूषण सिंह जी, वाह। कानपुर वो धरती है जहाँ कादीपुर के पास अंदर रायपुर गांव में मेरा ननिहाल होता है, और अंबेडकर नगर आपका पड़ोसी जिला, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ, कहरा सुलेमपुर गांव। मैं अपने घर के आंगन में हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही देश के तमाम। मैं दिल्ली के लाल किले पे मैंने 2 बार काव्य पाठ किया, लगभग 20 से 25 हजार लोगों के बीच। लेकिन जितना प्यार जितना आशीर्वाद मुझे अपने घर में मिला, शायद मेरे लिए वो लाल किले का कवि सम्मेलन फीका था। मैं शुरू होता हूँ कि शांति मंत्र की माला जपकर केवल ये ही पाया है, सेना पर पत्थर बरसे हैं, सैनिक का शव आया है। सच कहता हूं कभी उठेगा अलग देश का नाम नहीं, क्या समाधान हुआ इस देश में इस समस्या का। सच कहता हूं कभी उठेगा अलग देश का नाम नहीं, सेना पर पत्थर ना होंगे, खूनी होगी शाम नहीं। मोदी के चाणक्य ने आकर राज्यसभा में बोल दिया है, धारा 370 का है कश्मीर में काम नहीं, धारा 370 का है कश्मीर में काम नहीं। लोहू से लथपथ घाटी में रोज तिरंगा जलता था, क्या दृश्य थे हमारे देश में, हमारी सीमाओं पर क्या दृश्य थे। लोहू से लथपथ घाटी में रोज तिरंगा जलता था, जेएनयू में देश तोड़ने वालों का दल पलता था, जेएनयू में देश तोड़ने वालों का दल पलता था। कश्मीरी क्यारी क्यारी में आतंकी अंगारे थे, कश्मीरी क्यारी क्यारी में आतंकी अंगारे थे, दिल्ली की छाती पर भारत मुर्दाबाद के नारे थे। गांधी बनकर हम इसका इंसाफ नहीं कर पाएंगे, श्री कृष्ण अब शिशुपाल को माफ नहीं कर पाएंगे। दुनिया वालों कान खोलकर इस कवि का ऐलान सुनो, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों तुम भी देकर ध्यान सुनो, भारत माता का हरगिज सम्मान नहीं खोने देंगे, अपने पूज्य तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे, अपने पूज्य तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे। बहुत खूब भैया, बहुत खूब, अपने पूज्य तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे। आइए आप अनुमति दीजिए, मैं बिल्कुल एक नई रचना पढ़ना चाहता हूँ। विगत 18 तारीख को जी न्यूज के कवि युद्ध में जो मेरी कविता विशेष रूप से प्रसारित हुई, एक बात और मैं फिर अभय भैया को आप लगातार भैया जी कहें, एक शो आता है न्यूज 18 इंडिया पर, आप अक्सर देखेंगे लाइव आप आते रहते हैं न्यूज 18 इंडिया पर, मैंने तो बहुत बार देखा है, बहुत लोगों ने भी देखा होगा। एक बार तालियां जरा जोरदार बजाइए भाई सभी। बिल्कुल एकदम नई रचना पढ़ना चाहता हूँ जी न्यूज के बाद, आज पहली बार अपने घर के आंगन में पढ़ना चाहता हूँ। कश्मीर क्या है, ये हमारा कश्मीर, इसकी थोड़ी आवाज बढ़ा दो थोड़ी सी, अब मैं आगे पीछे हो लूंगा, थोड़ा सा बेस बढ़ा दो, मैं आगे पीछे हो लूंगा, तुम हटाना मत। क्या है हमारा कश्मीर, कश्यप ऋषि के पावन पग की धूल बसी जिस घाटी में। अभी हमारे देश के गृह मंत्री ने जब उनसे लोगों ने प्रश्न किया कि आपने कश्मीर से तो धारा 370 हटा दी, लेकिन उस कश्मीर का क्या होगा जो पाकिस्तान के कब्जे में है, तो उन्होंने सिंह की तरह एक गर्जना करते हुए एक वाक्य बोला कि जब मैं कश्मीर की बात करता हूं तो उसमें यह भी कश्मीर होता है और वो भी कश्मीर होता है। मैं उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं, क्या है हमारा कश्मीर और कितना है हमारा कश्मीर। कश्यप ऋषि के पावन पग की धूल बसी जिस घाटी में, पढ़े लिखे लोग हैं, विद्या के मंदिर में मैं काव्य पाठ कर रहा हूं। अच्छी कविता हो तो एक बार फिर अच्छी कविता पे भी आपका साथ चाहता हूं, वरना तालियां बजवाने के लिए तो मैं 2 सेकंड का काम जानता हूं, बस आपका ध्यान चाहता हूं। कश्यप ऋषि के पावन पग की धूल बसी जिस घाटी में, केसर की खुशबू फैली है जिसकी माटी माटी में। जिस घाटी की सुंदरता की दुनिया भर में दस्तक है, वह घाटी जो भारत माँ का गौरवशाली मस्तक है, अपने सुरभित आंचल से जो अमृत नीर बहाती है, इस धरती का स्वर्ग यही है ये कश्मीर कहाती है। भारत के कण कण से उठता केवल एक ही नारा है, यह कश्मीर हमारा है वह भी कश्मीर हमारा है, यह कश्मीर हमारा है वह भी कश्मीर हमारा। वाह वाह वाह, भारत से कश्मीर जुदा करने के जिनके सपने थे,
भारत से कश्मीर जुदा करने के जिनके सपने थे, दुख होता है दुश्मन की उस टोली में कुछ अपने थे। सत्ता लोलुप परिवारों ने लोभ में ऐसा दाम दिया, 70 वर्षों तक घाटी को केवल गहरा घाव दिया। कुछ लोगों ने धर्मवाद का सोया दानव जगा दिया, कश्मीरी घाटी से कश्मीरी पंडित ही भगा दिया। पाकिस्तान परस्तों ने ऐसा बर्बरतम काम किया, चौराहे पर माँ बहनों की इज्जत को नीलाम किया, चौराहे पर माँ बहनों की इज्जत को नीलाम किया। उन आंखों से आज तलक भी बहता पानी खारा है, यह कश्मीर हमारा है वह भी कश्मीर हमारा है, यह कश्मीर हमारा है वह भी कश्मीर हमारा है। कि इस घाटी की रक्षा में है माथे का सिंदूर मिटा, इस घाटी की रक्षा में है माथे का सिंदूर मिटा। सोनी कोख हुई है माँ की, रोया है मजबूर पिता। रक्षा बंधन के ना जाने कितने धागे टूटे हैं, मासूमों के सिर से अब तक अनगिन साए छूटे हैं। इस घाटी के लिए हजारों वीरों ने कुर्बानी दी, भारत माँ के बेटों ने है इसके लिए जवानी दी। धारा 370 हटना भारत की भावांजलि है, अमर शहीदों के चरणों में यह सच्ची श्रद्धांजलि है। अमर शहीदों के चरणों में, वाह बहुत अच्छे, वाह यह सच्ची श्रद्धांजलि है अमर शहीदों में। तालियां जरा जोरदार हो जाएं। अमर शहीदों के चरणों में यह सच्ची श्रद्धांजलि है। हम इनकी कुर्बानी का, हम इनकी कुर्बानी की इस गाथा को आगे और बढ़ाएंगे। कश्मीरी घाटी को फिर धरती का स्वर्ग बनाएंगे। 56 इंची सीने ने फिर दुश्मन को ललकारा है, यह कश्मीर हमारा है वह भी कश्मीर हमारा है। वाह वाह, यह कश्मीर हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।